हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये डिस्कशन बेसिकली आप सभी के लिए एक हेल्प के लिए रहने वाला है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो है मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, या फिर आप मेरे को इस डाउट के बारे में बता दो, इस पर्टिकुलर डाउट के बारे में बता दो। तो देखो, वैसे तो मैं आपको बताते रहता हूँ थ्रू यूट्यूब, एंड अगर आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज करते हो या फिर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, ठीक है। तो लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक और चीज लाइक प्लान की है आप सभी के लिए, जो आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी एक मैंने ये प्लान किया है कि हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, एंड उस ग्रुप में उन कैंडिडेट्स को ऐड करेंगे जो इंटरेस्टेड हैं। जैसे जिन कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप में प्रॉब्लम होती है, वो फॉर्म या तो खुद फिल नहीं कर पाते हैं या फिर साइबर कैफे वगैरह पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, ठीक है। तो फॉर्म जो है आप उसमें फिलअप अपना करवा सकते हो, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है। एंड बेसिकली ये रिलेटेड टू नर्सिंग एग्जाम्स रहेगा, जो नर्सिंग के एस्पिरेंट्स हैं वो इस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए इंटरेस्टेड हो, या फिर आप राजस्थान के लिए हो, अपनी खुद की स्टेट के लिए हो, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, जिपमर हो गया, तो ऐसे जितने भी बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसके लिए जो कैंडिडेट्स 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अपना जो है इस चीज के लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, अपना फॉर्म फिलअप वगैरह करवाना चाहते हैं, तो वो इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा, और जो जो लाइक प्लान किया है इसमें वो क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या जिससे आपको जो है हेल्प मिल सकती है, और उसका कुछ चार्ज भी होगा, ठीक है, एक नॉमिनल फीस होगी, एंड उसमें आपका क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होगे तो आप जो है ऐड हो सकते हो, एंड ऐड कैसे होना होगा उस पर्टिकुलर ग्रुप में वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप प्लीज पूरा एंड तक देख लो, एंड इसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज आप जब इधर उधर घूमते रहते हो आपको कहीं पर भी इंफॉर्मेशन सही से नहीं मिल पाती है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, किस चीज को कैसे सही से करना है। तो ये जितने भी डाउट्स आपके रहते हैं वो सारे के सारे डाउट्स के आंसर आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। तो उस चीज के लिए मैंने ये प्लानिंग की है, क्योंकि आप कभी किसी से जाके हेल्प मांग रहे हो, कभी किसी से जाके हेल्प मांग रहे हो, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं पता कि कौन सा वाला कैसे अपलोड करना है, फोटो को रिसाइज करके कैसे अपलोड करना है, तो जितनी भी परेशानियां हैं आपकी सारी की सारी इसके थ्रू सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, एक स्पेशलाइज्ड टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, और ये प्राइवेट ग्रुप होगा, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जो इसमें जो है एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, जो इसमें इंक्लूड होना चाहते हैं, जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट्स वहां पर जुड़े रहेंगे मेरे से, और सारी की सारी गाइडेंस जो होगी वो मेरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देख रही हो, पर्सनलाइज काउंसलिंग एंड फॉर्म फिलअप सपोर्ट, बेसिकली मैंने ये सोचा है जो आपका ये ग्रुप रहेगा, ठीक है, तो ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे आप यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी ले सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कि मतलब हम इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है, मेरे साथ ये वाली प्रॉब्लम है, मेरा ये डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, मैं इसको कैसे बनाऊं, मैं इसको कैसे करूं, ठीक है, मैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करूं, तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एक तो वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी, और एप्लीकेशन फॉर्म कौन से वाले जो कि आपके नर्सिंग से रिलेटेड होंगे या फिर पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड होंगे, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, ठीक है, नर्सिंग भी और साथ में पैरामेडिकल भी, और साथ में भी जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें पहला फीचर क्या रहेगा कि आप जो है 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करवा सकते हो कितने भी एग्जाम्स के लिए, यानी कि चाहे आप एम्स के लिए कर रहे हो, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन किसके लिए करवाना चाहते हो, जिपमर के लिए करवाना चाहते हो अपना रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आप अपनी स्टेट के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर करवाना चाहते हो, क्योंकि स्टेट का एक क्राइटेरिया ये होता है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस पर्टिकुलर स्टेट का फॉर्म ही आप फिल कर सकते हो। तो जैसे मान लो कोई आप जो है उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, तो उत्तराखंड का अगर आप फॉर्म फिलअप करवाओगे बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल का, तो वो चीज आप इसमें करवा सकते हो। जिपमर के लिए अगर आप फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते हो तो वो करवा सकते हो। एम्स के लिए अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हो, एम्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसका पूरा फॉर्म फिलअप का प्रोसेस आप करवा सकते हो, या फिर पीजी चंडीगढ़ जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें सारे इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर आपको फॉर्म फिलअप करवाना है तो वो करवा सकते हो। निग्रिम्स करके है एक, जो मैंने आपको इस पर वीडियो में मैंने अपलोड की थी, तो निग्रिम्स जो है ये आपका नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी है, मतलब ये आपका शिलोंग में है, ठीक है, इसका फॉर्म आप फिल करवाना चाहते हो। कहने का मतलब है कि 2024 के लिए कोई भी बीएससी नर्सिंग
कोई भी बीएससी पैरामेडिकल और कोई भी पोस्ट बेसिक नर्सिंग का अगर आप फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हो तो वो सारे के सारे फॉर्म आपके फिल होने के जो मतलब चार्जेस होंगे वो इसी एक पर्टिकुलर चार्ज के अंदर इंक्लूड होंगे, मतलब जो आपको एक टाइम चार्ज पे करना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको दूसरी फैसिलिटी क्या मिलेगी कि जिस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है वो एम्स के लिए अप्लाई कर रहा है, एम्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसने फिल करवाया, ठीक है, मेरे थ्रू उसने फिल करवाया, एंड उसके बाद इसके आगे का जो प्रोसेस होगा यानी कि जब आप एग्जाम दे दोगे, एग्जाम देने के बाद जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं वेरिफिकेशन के लिए, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो मैं करके दूंगा आपको। साथ में उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है वो सारी चीजें मैं हैंडल करूंगा, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप हो गया, उसका काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस हो गया, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। और आप अगर उसके अलावा भी आपके जो भी डाउट्स होंगे कि क्या मैं इसका फॉर्म फिल करूं या नहीं करूं, मैं किस कैटेगरी से फिल करूं, मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन मैं आपको इस ग्रुप में बताऊंगा कि आप किस किस चीज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, किस चीज के लिए आपको फॉर्म फिल करना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जहां पर आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। या काउंसलिंग के बारे में अगर बोलूं कि अगर आपका एम्स का एग्जाम हो गया, उसमें आपके जो भी मार्क्स आए उस मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज किस तरीके से फिल करने चाहिए सो दैट कि आपको इंडिया का कोई ना कोई बेस्ट एम्स मिल पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस चीज के बारे में पता नहीं लग पाता और वो कॉलेजेस को ऊपर नीचे कैसे भी भर देते हैं, उन्हें नहीं पता होता। अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए मान लो एम्स के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में 60 मार्क्स आए, तो वो ये सोचता है कि भाई मेरे मार्क्स तो कम है, एम्स दिल्ली की तो जो कट ऑफ है वो 73 जाएगी, तो मेरे को एम्स दिल्ली को फर्स्ट नंबर पे नहीं भरना चाहिए। वो बच्चा क्या करता है, एम्स मंगलागिरी को फिल कर देता है जो कि सबसे बेकार वाला एम्स है इसमें, ठीक है, सबसे बेकार तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब अगर सारे एम्स में कंपेयर किया जाए तो सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो इसकी जाती है, और बच्चा क्या करता है कि सबसे पहला उसी को नंबर पे भर देता है। आप खुद ही सोचो, जब आपने सबसे पहला नंबर पे इसी को भर दिया तो आपको यही अलॉट होगा, बाकी सारे एम्स मिलने के चांस आपके 0 हो गए, क्योंकि पहले नंबर पे आपने इसी को चूज कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी गलतियां आपसे ना हो, आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग इन सब चीजों के बारे में मिल पाए कि आपकी जो काउंसलिंग है कैसे करनी है, और आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली जब भी आपको हेल्प चाहिए, चाहे काउंसलिंग के रिगार्डिंग चाहिए हो, या आपको अपना फॉर्म फिलअप करवाना हो, या अपना काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करवानी हो, तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉल कर पाओगे, ठीक है, एंड कॉल के थ्रू आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर पाओगे, एंड कॉन्टेक्ट करने के बाद आपको जो भी जिस तरीके से भी ये अपना फॉर्म फिलअप करवाना है या जिस तरीके से भी आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाना है वो आप मेरे साथ कॉल सपोर्ट पर ये सारी चीजें ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इसका चार्ज बता देता हूं, अगर आपको मान लो इस ग्रुप में ऐड होना है तो इसका चार्ज कितना रहेगा, इसका जो चार्ज है वो 297 रुपीज रहेगा, ठीक है, ये सिर्फ इतना ही चार्ज है, 297 रुपीज। अब ये देखो, ये सिर्फ आपको एक टाइम का चार्ज देना है जिसके बाद आप इस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। अब आप मेरे से कहते हो कि मेरा एम्स का फॉर्म फिल कर दो, आपका एम्स का फॉर्म फिल अप हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब एम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद जब एम्स का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना होगा वो भी इसमें होगा इंक्लूसिव, और उसके बाद जो चॉइस फिलिंग वगैरह वो सारी चीजें जितनी भी होती है, जो भी पर्सनल गाइडेंस होती है कि आपको जब एडमिशन कराने के लिए जाना होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन से नहीं लेके जाने हैं, कितनी फीस लेके जानी है, ये सारे जितने भी डाउट्स होंगे उन सबके आंसर आपको मेरे थ्रू मिल पाएंगे, ठीक है। एक पर्सनल सपोर्ट आपको मिल पाएगा जो कि मैं यूट्यूब के थ्रू आप लोगों को नहीं दे पाता, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और ड्यू टू लैक ऑफ लाइक मतलब हमारा जो इंटरेक्शन हो पाता है, तो ये चीजें आपको इसमें मिल पाएंगी। और आपने कहा कि मेरा एम्स का फॉर्म फिल कर दो, एम्स का फॉर्म अभी आया हुआ है, मैंने फिल कर दिया। अब आपने कहा कि कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आपके स्टेट का फॉर्म आ गया, मान लो आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, यूपी से बिलोंग करते हो, हरियाणा से बिलोंग करते हो, राजस्थान से बिलोंग करते हो, आपको लगता है कि मेरे को ये वाला फॉर्म भी फिल करना है, आप ये वाला फॉर्म भी फिल करवा लोगे एट नो एडिशनल चार्जेस, यानी कि इसके कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप ये इतना पे करके क्या करते हो, इस ग्रुप में ऐड हो जाओगे, इस ग्रुप में ऐड होने के बाद आप जिस भी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हो, उसके काउंसलिंग के बारे में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो, काउंसलिंग में चॉइसेस वगैरह कैसे फिल होनी है वो सारी की सारी इसी में इंक्लूसिव होंगी, ठीक है। तो अब इससे देखो बेनिफिट आपको कैसे मिल रहा है, एक तो आपको मेरी पर्सनलाइज काउंसलिंग मिल रही है, दूसरी चीज क्या है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म चलो खुद भरते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो मैं वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको कई बार डर लगता है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे को जो है कोई ऐसा बताने वाला हो कि भाई मेरे से कोई गलती ना हो,
तो उसके लिए जो है ये सारी चीजें जो भी इसमें हेल्प होगी वो मैं आपकी करूंगा। और वैसे भी अगर आप साइबर कैफे पे जाते हो तो वहां पे भी आपका जो चार्ज रहता है एक फॉर्म को फिल करने के लिए वो अबाउट 100 रुपीज रहता ही रहता है, ठीक है, आपको ये चीज पता होगी। तो अगर आप एम्स का फॉर्म फिल करवाते हो, फिर जिपमर का फॉर्म फिल करवाते हो, फिर अपनी स्टेट का फॉर्म फिल करवाते हो, पीजीआई चंडीगढ़ का भी मान लो फॉर्म फिल करवा रहे हो, और निग्रिम्स का भी करवा रहे हो, और मान लो तीन चार और करवा रहे हो, तो आप ये सोच सकते हो कि अगर आपने 6-7 फॉर्म फिल किए हैं नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए, तो आपके जो है लगभग लगभग 500 to 700 रुपीज ऐसे ही आपको वहां पर पे करने पड़ जाते हैं साइबर कैफे पे, ठीक है। तो ये सारे पैसे आपके बच जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि जब आप एग्जाम दे दोगे, आपका जो भी स्कोर आएगा, स्कोर के बेसिस पर आपको काउंसलिंग कैसे करनी है ताकि आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो पाए, बेस्ट कॉलेज आपको मिल पाए, ठीक है, वो वाला सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा कि पर्सनलाइज काउंसलिंग आपको मैं दूंगा, आपके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जितने आए होंगे एग्जाम में, आपको किस तरीके से कॉलेज फिल करने चाहिए, वो सारी चीजें फिल करके मैं खुद से दूंगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। बस आपको मेरे को बताना होगा कि हाँ भैया आप जो है मेरा एम्स का जो है रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, तो अब आप प्लीज मेरा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर दो, तो मैं आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप इस तरीके से आपको फिल करना चाहिए, और फिल भी मैं ही करके दूंगा। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं 2024 के लिए, जितने भी आपके नर्सिंग और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम होंगे, उनके जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, वो मैं आपको फिल करके दूंगा, और साथ साथ उसका जो भी काउंसलिंग तक का प्रोसेस होगा, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, सारी आपको हेल्प मेरी तरफ से मिलती रहेगी। और ये सिर्फ आपको 297 रुपीज के एक नॉमिनल चार्ज में मिलेगी, ये एकदम मिनिमम चार्ज है। एंड मैंने आपको बता दिया आप इसमें कितने भी फॉर्म जो है वो फिल करवा सकते हो, लेकिन किस किस के, बीएससी नर्सिंग के, बीएससी पैरामेडिकल के, या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग के, ठीक है। तो कोई भी फॉर्म आप फिल करवाओ, आपको बस एक बार ये जो है पेमेंट करना है 297 का, एंड उसके बाद आपको ये प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो जाना है, एंड इसके बाद आपको सारी हेल्प मिलेगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मेरे से पूछ सकते हो, आपको अगर मेरे को कॉल से कॉल पर बात करनी है तो कॉल पर भी आप मेरे से बात कर सकते हो, एंड जितने भी डाउट्स हैं आप वो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, एंड मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, एंड वो ये मतलब कहीं कभी इंस्टा पे मेरे को मैसेज करेंगे, कभी टेलीग्राम पे करेंगे, तो उससे अच्छा है कि लाइक अगर आप इसमें एक बार एंटर हो जाते हो, इसको ज्वाइन कर लेते हो, तो आपका जब भी जो भी मन होता है इन सब एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जो भी आपके मन में डाउट आता है, डायरेक्टली आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो वो आप ऐड कैसे हो सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरी पर्सनलाइज्ड जो मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो देखो ये तो आपको डाउनलोड खुद से ही करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैं तो टेलीग्राम यूज करता नहीं हूँ, तो वो तो आपकी देखो हेडेक है खुद की, ठीक है। तो अगर टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम पे अकाउंट बना लो। तो मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम आईडी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है SHIKHEAR, ठीक है। फिर इसमें अंडरस्कोर लगाना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर के बाद क्या आ जाता है आपका 297, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। अगर आपको इस ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे को इस पर्सनल टेलीग्राम आईडी पर आप मैसेज कर सकते हो, एंड मैसेज करने के बाद मैं आपको क्या करूंगा, जो पेमेंट होगा, मतलब पेमेंट भी आप चाहो तो पेमेंट आप कर देना, पेमेंट के लिए मैं आपको यूपीआई आईडी बता देता हूं अपनी, ठीक है। यूपीआई आईडी ये है, यूपीआई आईडी जो है वो है मेरी SHIKHER792@paytm, ठीक है, @paytm। तो ये मेरी यूपीआई आईडी है, तो आप चाहो तो इस पर पेमेंट करके, और ये जो मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस टेलीग्राम आईडी पर ये जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा वो आप मेरे को शेयर कर देना, एंड उसके बाद जो है आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे, जो कि पर्सनलाइज काउंसलिंग और आपके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, यूपीआई आईडी मेरी ये वाली हो गई, इस पर आप पेमेंट कर दोगे 297 की, एंड ये जो है ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है आप इस पर शेयर कर सकते हो। आपको स्क्रीन पर जो है मैं अपना क्यूआर कोड भी दे रहा हूँ, अगर आप उसके थ्रू करना चाहते हो तो देखो आपको स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा होगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो क्यूआर कोड जब आप स्कैन करोगे, मेरे अकाउंट का नेम जो है वो शिखर सक्सेना है, शिखर सक्सेना करके लिखकर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जहां आप पेमेंट कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। तो ये जो यूपीआई आईडी मैंने दी है, ये शिखर 792@paytm करके,
ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास पेटीएम होना चाहिए उसी से पेमेंट होगा। आपके पास गूगल पे हो, आपके पास फोन पे हो, आपके पास पेटीएम हो, आपके पास कोई अदर ऐप हो, किसी से भी आप ये यूपीआई आईडी डाल के अपनी पेमेंट कर सकते हो, या फिर जो आपको स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके आप ये पेमेंट कर सकते हो। और उस पेमेंट को करने के बाद आप जो स्क्रीन शॉट है पेमेंट का वो ले लेना, एंड इस टेलीग्राम आईडी पर आप मेरे को भेज देना, मैं आपको उस प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो लाइक ये प्लान मुझे सही लगा। मेरे को लगा कि भाई काफी सारे कैंडिडेट्स इस तरीके की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे को लगा कि ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपको सारा सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे वो काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग हो, चाहे वो नए नए जो आपके लिए ऑप्शन बन सकते हैं, यानी कि मान लो आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं पता कि भाई बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। ठीक है, सो दैट कि अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो वो वाला फॉर्म भी आप फिलअप करवा सकते हो। क्लियर है? तो ये 297 रुपीज में ये सारी आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी। एंड स्टार्टिंग से लाइक आपको पता है भाई कि जब भी आप मैसेज वगैरह करते हो तो मैं हेल्प तो वैसे करते ही हूँ, तो वो हेल्प तो देखो वैसी चलती रहेगी, लेकिन फिर भी आप एक पर्सनल सपोर्ट पूरा चाहते हो। जब तक लाइक आपका एडमिशन इस साल में नहीं हो जाता तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो, ये आप ही के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये चार्ज इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज मुझे पता है कि क्योंकि देखो इतनी सारी चीजें करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, एंड लाइक सब कुछ फ्री में नहीं मिल सकता, ये चीज आपको भी पता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी आप कोई डाउट पूछते हो मेरे को टेलीग्राम पे ऐसे ही मैसेज करते हो तब भी मैं आपको बता देता हूँ, या फिर मेरे को इंस्टा पे मैसेज करते हो तब भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बस मेरे को इतनी चीज बतानी थी, एंड आई होप कि ये चीज आपको अच्छी लगे जो चीज मैंने प्लान की है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, एंड नहीं भी होना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चीजें पहले चल रही थी वो चीजें तो चलती रहेंगी। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो जरूर लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो जो नर्सिंग या पैरामेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना। एंड बाकी कोई डाउट हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो आप मेरे को टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।